कोरोना संक्रमण काल में भी राशन दुकान संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत दौराभाट में राशन दुकान संचालक पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि राशन दुकान संचालक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को पलीता लगाने का काम कर रहा है। संचालक रोहित साहू ने निःशुल्क वितरण किए जाने वाले राशन के एवज में 561 हितग्राहियों से रुपए की वसूली कर ली, जिसकी लिखित शिकायत जिला खाद्य अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से की गई है, लेकिन शिकायत होने के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पूरे मामले में एसडीएम नवीन कुमार भगत ने जांच कराते हुए जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। चावल आया था, चना आया था, उसका पैसा लिया है। चना का 5 रुपया लिया है, चना और चावल 1 रुपया किलो में दिया है, जो आया था फ्री में। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे पैसा लिया है? पूरे गांव में लिया है सर, कोई के किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ सोसाइटी में इतना अत्याचार हो रहा है कि यहाँ गांव के 561 कार्डधारी हैं, सबसे चावल का पैसा लिया जा रहा है, जबकि वो अंशदान में मुक्त के बतौर है, सबसे पूरा पूरा पैसा लिया जा रहा है। 5 रुपये बोले वही शेष में। अच्छा, जन मिले हैं और गाँव भर ले हैं और सब डाले हैं, भूल चूक हो गए भाई, आने जिन 5 रुपया दे दिया अपन आपस से, अपन दही अपन ले ले हाँ। नहीं नहीं, तो मालूम नहीं था सर, कई जने को दिखा रहा था टेबलेट में, समझे सर, मेरा लेने का मतलब वही था, इसी के में अभी भी दिखा रहा है, समझ गए, तो इस कारण मेरा कंफ्यूज हो रहा है उसमें। ऐसे कितने हितग्राहियों से दिया? हाँ, करीब 15 जन किए होंगे, तो पूरे वापस से चालू कर दिया मैं, 15 जन 20 जन किए थे, उसके बाद वापस कर दिए। इसमें शिकायत प्राप्त हुई है और फूड इंस्पेक्टर को इसकी जांच के लिए लगाया गया है, तो जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद तत्काल इसमें कार्रवाई।